मजाक लेते हैं मेरी बहुत टैलेंटेड लड़की तो बहुत इतने ओवर ग्रेजुएट है इनके बनाना में तीन है नोट है हमारे में दो रहे हैं क्योंकि हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं नुके नान धोना ना है आज नाम के साथ लियो तू ले जाए मैं ले जा बाद में ले आई तुम मुझको अचार देख आप ले जा रहे हो मियां देने खुदा अरे भैया भैया घर में कलेश हुआ है चले जाने से कलेश हो गया घर में तब और हम देंगे मम्मी उसमें से एक नमक की डली निकाल के दो वैसे दिया और कोई दिया हुआ है पेली भी निकल रही है बेकार ही तेरी पड़ी है ये पेलियां सब्जी पेलियां फिर भी बेकार हो जावे रंधी जी हो जावे सर पे सुखा में चरा के सब निकालने पड़े हैं और खराब हो जा सर गली से हो जाए ये सारे सब्जी बनाओगे सब्जी बन जाएगी कुछ पक जाएंगी भी दर दिन बाद ये हो है जाली वाली है ईशु आई बाबू चली गई आना कौन है ये मासी है मासी रिया मासी वो चार बज रहे हैं शाम के हमारी मम्मी की नींद पूरी ना होके दे रही है चक्कू रख दिया हाथ में लेके आंवले काटने को लौट बैठी और चक्कू हाथ में लेके सो गई आज हमारे बुआ के बालक आए हैं ये रिया दीदी छुट्टी में वाला करने सब लग रहा है मम्मी कब आएंगी तेरे नहीं मम्मी दो दिन बाद या कल को दो दिन बाद गए को भाई स्कूल जा रहे हैं तुम्हारी पड़ गई छुट्टी बस और छुट्टी अगले महीने 20 तारीख को पड़ेगी 10 को और मैया कोई बात नहीं चल जाओ आए तुम तक है बाल करने का तो ये पूरे साल ही पढ़ाएंगे अब कहते थे अगले महीने की 10 तारीख को इनकी भी छुट्टी पड़ गई इसलिए घुटने पे ब्रेड रखा कौन है बोल दो गाइस चाय पी लो बोल दो तो गाइस चाय पी लो मुझे बोल दो गाइस चाय पी लो तेज की बोलो आवाज नहीं रही रे बैठे से गले की ये कौन है ये बता दो ये कौन है ये बना ना ब्लॉग कैसे बनाओगे बना दो ब्लॉग बना दो ये नानी ऐसे बोल के जैसे आप खुद बनाते हो व्लॉग गाइस ये मेरी नानी है ऐसे बोल के मासी है और आप क्या कर रहे हो ब्रेड खा रही हूँ मैं घूमी घूमी कर खाओगे ब्रेड बता दो मैं घूमने गई थी तुम्हारी मासी के साथ इन ब्लॉग तुम्हारे पति जब बनाने लग जाएगा यहाँ बैठा छत पीछे मैं और रिया जा रहे हैं घूमने अब मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ मतलब मुझ मेरे साथ को कोई रहवे ना है रोज तो मैं जा ना पा भाई आज मौसम भी ठंडा हो रहा दौड़ लगा आई हूँ हाँ क्या हुआ मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ घर चल तो अभी आ रहे हैं चल चल तो भाई अब रिया आ गई मैं रिया के साथ जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे अकेले आने का मन ना करता कहीं भी मैं भी अंकल के घर पे भी गई छोटे वाले अंकल के से घर पे मैं इनका जब बुआ आ जाएंगे इनके साथ ही जाऊँ गैसी मानसी असली नाम हम नहीं बताएंगे इसका असली नाम कुछ और है जीजू को बताया असली नाम हाँ मेरे फोन में सेव है उन्हें बताओ समझ जाएंगे ये मानसी बैसला ये हमारे फोर्थ क्लास से फ्रेंड है आज मैं मिल आई इसकी शादी हो गई ये गुस्सा हो रही है ऐसा कि मेरी शादी में नहीं मेरी शादी में नहीं दिखा दूँ दावत खा इसकी शादी हो गई भी आई भरी आई
इस बात को सुनकर अंजलि दीदी को बहुत खुशी हुई है कि मान दीदी मेरे जैसी हो गई। मैं तेरे दिन डोल ली, हमारे से तो 6 साल बाद हुई है इसकी शादी। मैं तेरे दिन मौज ले ली और कुछ नहीं। मेरी मौत से इन्हें टेंशन है, अभी बहुत खुश है, अभी बहुत खुश है गाइस। अब सही है, अब हमारे जैसी होगी। ये देखो कुछ दिन में बालक नन हो जाए कुछ साल में कैसे होगी आएगा तो सही। फिर मैं मरता और अब यू कह रही मुझसे कि बहन लिकार्ड ना होता जब तक इसको कतई ना हो जब ना होता इसको। कोमल दीदी सजने गई, अब दिखाएंगे आपको मेकअप करके आ रही है कोमल। मेकअप नू कह रही बहन ब्लॉग में ऐसे ना हो, मैं सब देख रहा हूँ। देखो देखो गाइस मैंने मेकअप किया हुआ है, देखो कैमरे के सामने मुझे ऐसे ही बदनाम किया हुआ इन लोगों ने, ऐसे बदनाम इस शरीफ वालों को बदनाम कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि मेरी अभी यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। अब ये दोनों फ्रेंड मिलकर मेरा मजाक बना रही है, आप समझ सकते हैं। पता इसने भी पहन रखा है धोली टी शर्ट और पेल पजामा। और अब देखिए, और अब हमने कहे कि मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लूं, कोई मेकअप नहीं किया आप देख सकते हैं। अब ये टी शर्ट पहन का ही है और ये लेगिंग पहन का ही है, मेकअप थोड़ी लिपस्टिक लगा गई सच का ये। इसको बताना है कैसी लग रही है, इसके लिए कमेंट जरूर करना, लाइक करें, शेयर करें, एक लाइक इसके नाम का ऐसे मजाक लेते हैं मेरी कमेंट आपकी फ्रेंड पहले ब्लॉग में आई थी बेटा, आप कहे थे ये लड़की बहुत समझदार है, बहुत सेंसिबल है, इसकी तरह इन लोगों की तरह नहीं है। हम गाइस थोड़ी डिफरेंट है, इन लोगों की तरह नहीं है, ये थोड़े से सेंसिबल ही ओवर सेंसिबल है। हम माइंड से डिस्टर्ब ना हो, इतनी बेइज्जती मत करे, माइंड से डिस्टर्ब मत करे, पढ़े लिखे हैं हम, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, ये भी ग्रेजुएट है, ये थोड़े ज़्यादा पढ़ लिए क्योंकि पढ़ने में शौक ज्यादा रखती है। हमारा थोड़ा कम चलाओ, पढ़े लिखे हैं, अच्छा पता चल गया माँ जी पढ़े लिखे, चल पता बनाना हम कितने ये हुए बनाना क्या पूछ लिया कैसे भी मन मन सोचते गाइस ऐसे ग्रेजुएट लोग हैं ये जो मेरी मजाक ले रहे थे, अभी अब आप देख सकते हैं। चल तो बता कितना है ना, तो किस रीति से मैं बना के स्पेलिंग मन मन को ना ना, अरे दो होते हैं यार, दो तीन ए दो एन गाइस, इतने ओवर ग्रेजुएट है, इनके बनाना में तीन एन होते हैं, हमारे में दो रहे हैं क्योंकि हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। इनका जो बनाना है लिखे हैं, इनका जो बनाना है उसमें तीन एन होते हैं, बनाने खिला दिया आज समझ गए होगे आप अंदाजा लगा सकते हो कितने पढ़े लिखे हैं, और हमारा भी लगा सकते हैं, हमने सही बताया इसके आगे बेचारी सोचती रहेगी पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बस थोड़ी हेजिटेशन होती है। आज तक बनाना इन लोगों ने खाया है सिर्फ, कभी उसकी स्पेलिंग को माइंड नहीं किया, मैंने ज्यादा बनाना खा ली ना, एक बढ़ गया है, बढ़ गया। गाइस हमने पूरी हम 4 बजे से बैठे, 4 बजे से और अब हमें 3:30 बजे घर से चले, बहुत टाइम लगा गाइस, 1 घंटा ही से आने में लगा यहाँ तक, बहुत लोगों की हमने चुगली करी, बहुत बहुत ये नहीं बताएंगे किसकी करी चुगली,
पर लेकिन मतलब पर वो स्कूल टाइम वाली याद आ गई, जैसे मैं स्कूल में बस यही करते रहे भाई सारा दिन, वही बात है पढ़ाई काम और मस्ती ज्यादा हो गई हमारी आज हमने वही किया। यूं तो पढ़ने लिखने में ज्यादा रह गई, कह रहे हो हमसे एक क्लास मतलब मैंने दांत फाड़े थे एक क्लास में से कम थे दांत फाड़े क्लास के चाहिए हम आ गए पर हमने जितनी मस्ती करी लोग भी पहले तू जंप करके गई थी ऐसा मत बोल, मैं सोचा ये तो सदा से ऐसी लेकिन तो सदा से ऐसी नहीं थी, एक साल कूद के गई थी इनकी क्लास पहले मैं इसी क्लास ज्यादा पसंद आई मुझे ये लोग ज्यादा पसंद थे। अच्छा हम छोटी जात से बिलोंग जात बात का वो नहीं है यहाँ पे, ये छोटे छोटे बच्चे थे ना, ये हम छोटे हम ज्यादा बातें करते थे इसलिए हम लोग ज्यादा पसंद थे, हम स्कूल में पढ़ाई कम बातें ज्यादा करते थे, हमने भगा दी क्लास से बात खत्म तो हमने क्लास से गाइस ये भगा दी हमें क्योंकि मैंने 7th क्लास जंप करी, हम पर सारे 4th क्लास से एक साथ पढ़ रहे हैं और हमने 12th तक की तो 12th तक साथ में रही थोड़ा मान से दीजिए हेलो सीरियस हाँ जी पापा जी, पापा जी ऐसी कॉल होती है जो सीरियस होना पड़ता है, दाल मतलब ससुराल से कहीं जाएंगे सर पे चुनरी रख के बाजार में चुराड़ी जब कोई पीछे से नुके हुए आंटी कैसे फील हो आंटी साइड हो ना पापा ही दो जगह नंबर सेव है, पापा तो रोटी पे बूझ रहे हैं काला हूँ। रिया काफ़ी अच्छी लड़की है, रिया के साथ आज मेरी फ्रेंडशिप हो गई बहुत अच्छे से, आज लेकिन आज ये बोर फील कर रही है क्योंकि हम चुगलियों में यू नो बच्चे परेशान तो हो ही रहे हैं, दीदी चलो पर मन का भाई इतने दिन बाद मिले हैं जाने का थोड़ी हमने स्कूल की मेमोरीज, अब हम एक दिन और जाएंगे अपनी दूसरी फ्रेंड से मिलने साथ में जाएंगे, मुझे भी ले चलना यार चंचल तो ब्लॉग देखते हो तो यार कोई बना दे कुट्टू का चोंच नहीं मैं नमक कभी नहीं खाती, मैं आपको खीर बना दी मीठा बनवा कुछ मैं आपको समाई की खीर बना, हां मैं वो चल जाएगी लेकिन तू इतना कष्ट क्यों करती है, हम अपना मेन्यू चेंज कर लेते हैं या तो थर्सडे या सैटरडे ठीक है, आज क्या है मंगल चाय मैंने नमकीन बिस्किट ना देती अब ये मुझे नमकीन बिस्किट पड़ेंगे टेस्टी खीर तनु ने बना रखी बहुत स्वाद लग रहा है, नई शादी हुई है समोसे नमकीन बिस्किट नई नई शादी हुई है नवदीन चंचल को मेहमान आया होता है मतलब भाई साहब हमें गेट पे मिले वे जा रहे थे छोड़ के तो उन्होंने बच्चे भी रुक गए बच्चे कोई बात ना हर चीज जगह है मतलब झूठे तेन उन्होंने करी इतनी कमी नहीं आया सुबह ही समोसे बचा लिए करी इन्होंने रख दे मेरे फ्रेंड आएंगे शाम को मुझे नहीं लेके गई अब चलियो कैसे अब तू समोसे ना देगी ना चंचल बहन इसको समोसे मंगा दो चंचल आप जा कहीं भी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अगर मुझे सुन पा रही हैं प्लीज हमें समोसे देना क्योंकि गाइस और कोई भी हो जिसको समोसे मेरे घर आ सके तो यहाँ दे दे माने चंचल से हाँ मुझे चंचल से लेना क्योंकि चंचल की न्यू शादी हुई है ना तेरी भी न्यू शादी हुई तो खाली जाए भी ये कंजूस आदमी है देख देख दी मैं आज खाली चाय पिला दी सर हाँ इसकी न्यू शादी है 16 फरवरी को इसकी शादी अभी ये सदमे में है कंजूस है एकदम चल अभी सदमे में किसी दिन इसको लेके चलते बाहर से घर से बाहर पार्टी दूंगी घर में पार्टी का क्या मां से देख ले ब्लॉग में बोल दी पार्टी लेके चलेंगे 100% बता कहां चलेंगे अब इसकी क्लिप एडिट करके मैं रख लूंगी मां से पार्टी को गई ठीक है गाइस 4 आदमी गवाह हैं इस चीज के एक दिन हम बिल बैठाते हैं बिल्कुल जो कहोगे वो खिलाऊंगी ठीक है प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा कर लीजिए क्योंकि
यकीन नहीं होगा, यकीन नहीं हो पा रहा है तो लोगों पे। नहीं नहीं मैं तेजी नहीं पाती सारे रास्ते चापते नहीं है अभी तेन करी जो लिमिट मत रख 50 रुपए हम जाएंगे इतने का तो किराया खुद चले जाएंगे चल चल तो टाल कर टाल टाल नहीं 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 खिलाऊं नहीं 50 रुपए क्या है भाई दिल पर लग गए इसके नहीं नहीं 50 जितना मर्जी कैसे दिल चलते हैं अभी तो ब्लॉग में बोल अभी जून 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 तो चलते हैं किसी दिन इसका बिल बैठा चलते हैं पहले चल जाएंगे नहीं नहीं चलते हैं चल तो मोहन नगर चल पहले कोशिश जारी रहेगी कि 5 तारीख से पहले नहीं जाए अगर हम पार्टी दी से तो हम ब्लॉग बना के डालेंगे ना दी तो हम क्या कर सके नहीं करेंगे हम लोग पार्टी ठीक है तो चलो अब हम चलते हैं घर भाई आज हमने बहुत मजे करे यू नो बहुत स्कूल टाइम की मेमोरीज दोबारा से ताजा करना चुगली में मजा आवे चुगली तुम दोनों ने किए थे नमक मिर्च लगाया मैंने हम दिल खोल लगाते हमने खूब लोगों की चुगली भी की तारीफ भी करी अच्छे थे उनकी तारीफ हम खुद की करते हैं गाइस पर हम तारीफ करते हैं चुगली हम पर खूब मजे आए बहुत मजे आए आज हमने 4 बजे से लेके 7 बजे तक फुल चुगली आओ बहन चुगली करें शो चलाया हमने चुगली हमें कब टाइम निकल गया हमें पता ही नहीं चला हाँ अब चल रहे हैं भैया दिन चुगलो घर से भी फोन आ रहे ठीक है तो चलो गाइस ओके बाय मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में इस वाले ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करेंगे तब दिखाएंगे आपको देखिए हमारे 50 रुपए में क्या क्या खिलाएंगे हमारे 50 रुपए और यहाँ पार्टी हो रही है ऐसे करेंगे ओके गाइस ठीक है गाइस बाय 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 इसके लिए एक कमेंट कर देना ये मेकअप मेकअप करके आई लौंड दिया तो नो गाइस ऐसे कुछ नहीं आपको दिख रहा होगा और कमेंट में लिखना नाइस कोमल गाइस मैं सीधी हूँ इन लोगों ने बदनाम कर दिया है बस ऐसे हाँ भाई हम तो सीधे सिंपल से है क्योंकि हमारे तो दिखाए क्या भाई हम तो हो वो हमारे जो होना है आंटियाँ हो लड़कियाँ तो और इसको कोई पसंद कर ले आपकी नजर में कोई हो तो इनके लिए इसके लिए सुंदर सुशील लड़का बताना इनके जैसा सुशील होना चाहिए हमारे जैसा सुशील सोच तो बता रही है सुशील हाँ इनके जैसा इन देखे देखे इन्हें शर्माते हुए इतना इनकी तरह कोई ग्रेजुएट जिसको बनाना जिसके बनाने में 3 महीने होते हो ऐसा कोई लड़का yes, guys, आज आज से बनाने की स्पेलिंग में 3 N हो चुके हैं नई नई स्पेलिंग है हमारे इंस्टाग्राम के आईडी अंजलि अधाना तो उस पर DM करके बताना कमेंट में तो खैर लड़का मत बताना इंस्टाग्राम पर DM करना क्योंकि भाई वहाँ पे हम थोड़ा मतलब खोल के बात कर सकते हैं कि हमें कैसा लड़का चाहिए क्या क्वालिटी चाहिए है तो कोई नज़र में बताना कैरियर हूँ ठीक है तो गाइस बाय बाय बाय